स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टिका उस पे। तो जैसा तो Vivo का Y सीरीज का टॉप मॉडल Y73 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसी का मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ Samsung Galaxy A52 से। जहाँ दोस्तों Samsung की A सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पर इन दोनों फोन का इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा है क्योंकि स्पेसिफिकेशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएगी, बट प्राइस पॉइंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे। तो आपके किस बजट में आपको फोन कौन सा सूटेबल हो सकता है ये जानने के लिए बिल्कुल वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बॉक्स कंटेंट के, तो यहां पर हमें मिलता है A73 के अंदर 33 वॉट का फास्ट चार्जर, उसी के साथ हमें मिलता है यहां पर Samsung के अंदर 15 वॉट का चार्जर, लेकिन 25 वॉट चार्जर का सपोर्ट यहां पर फोन में दिया है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर सिर्फ 15 वॉट का चार्जर ही देखने को मिलेगा। फोन में हमें टाइप सी सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो काफी अच्छी चीज Vivo के फोन में आपको नजर आ जाएगी, लेकिन Samsung के बॉक्स के अंदर से ये चीज जो है बिल्कुल विलुप्त कर दी गई है। आपको यहां पर ईयरफोन यहां पर बॉक्स के अंदर Samsung में देखने को नहीं। फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू को, तो यहां पर काफी अच्छे डिजाइन के साथ आजकल सारी फोन लॉन्च होते हैं, लेकिन Vivo ने यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट लगाया है। बिल्कुल देख सकते हैं आप Y73 के अंदर रियर साइड पर काफी अट्रैक्टिव से यहां पर हमें देखने को मिलती है, जिसे कलर शेड पे आप देखते हैं उतना यहां पर इतना अट्रैक्टिव सा आपका रियर साइड का बैक केस यहां पर पीछे की तरफ लगने वाला है। वहीं मैं बात करूं Samsung के अंदर, तो Samsung ने भी चेंजेस किए हैं क्योंकि आपको एक मैट फिनिश के साथ तो पीछे बैक मिलता ही है, साथ साथ कैमरे को भी उसी से कवर अप कर दिया गया, मतलब बम स्क्रैच के चांसेस जो बनते हैं वो काफी कम है, लेकिन फोन के प्रोटेक्शन के लिए बैक केस लगा के रखना जरूरी। चलिए जैसे कि बॉक्स और यहां पर बाहर की बातों के बाद अब करते हैं फोन के अंदर की चीजों को लेकर, तो यहां पर डिस्प्ले टाइप जो है फोन का आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है दोनों ही फोन के अंदर। अगर बात करें Y73 में तो 6.44 इंच एमोलेड रेजोल्यूशन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है, लेकिन Samsung काफी डिस्प्ले के मामले में पुराने टाइम से अपनी पकड़ बनाए हुए सुपर एमोलेड क्वालिटी देखने को मिलती है 6.5 इंच के साथ, और यहां पर मिलता है 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एक प्राइस पॉइंट के हिसाब से Samsung भी जो है काफी टफ कॉम्पिटिशन आजकल जो है 20 से 25 के रेंज में भी देता है। इसके बाद यहां पर बात करें अगर फोन के कैमरा फीचर्स को लेकर, सबसे ज्यादा मेन चीज जो सारे ही लोग फोकस करते हैं होता है फोन का कैमरा, तो यहां पर Y73 में चेंजेस हैं। 64 का प्राइमरी लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट है, और वहीं आपको Samsung के A52 में देखने को मिल जाएगा 64 का प्राइमरी लेंस, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और मैक्रो शॉट। वाइड एंगल का लेंस आपको यहां पर जो है Y73 में देखने को नहीं मिलता। ये चीज क्यों है, आपके क्या डाउट इस चीज को लेकर कमेंट में मेंशन जरूर करें। बात अगर फ्रंट सेल्फी कैमरा को लेकर, तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको मिलती है Y73 में, और यहां पर 32 मेगापिक्सल आपको मिलता है Samsung के अंदर। और बात करें दोनों फोन के प्राइवेसी प्रोटेक्शन को लेकर, दोनों ही फोन एक एमोलेड एक सुपर एमोलेड, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसिंग की क्वालिटी आपको दोनों ही फोन नजर आ जाएगी, और फेस डिटेक्शन फ्रंट कैमरा में आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहां पर आप चाहते हैं अगर गेमिंग एक्सपीरियंस प्लस परफॉर्मेंस आपका फोन का किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो Y73 में फ्रंट टच OS एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड आपको देखने को मिल जाएगा मीडिया टेक हीलियो G95। जी हाँ दोस्तों, गेमिंग के लिए भी अच्छा प्रोसेसर मान सकते हैं हम इसको, लेकिन A52 में यहां पर काफी चेंजेस किया है Samsung ने एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड, तो फोन हमारा आपको देखने को मिल जाएगा, साथ साथ स्नैपड्रैगन 720G देखने को मिलता है। गेमिंग काफी अच्छी आपको Samsung में देखने को मिलती है, और जो लेग और हैंग वाली जो प्रॉब्लम है वो यहां पर खत्म कर दी गई एक तरीके से, तो काफी बढ़िया चीज आपको Samsung में देखने को मिल जाएगी। रही बात हमारे फोन की डिजाइन और इन सब चीजों को लेकर, बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम कर दिया है कंपनीज ने, क्योंकि फोन को अट्रैक्टिव से दिखाते हैं ये लोग, लेकिन आपके फोन तेज चार्ज हो रहा है इसलिए चार्जिंग का सपोर्ट जो है फास्ट कर दिया है। Y73 में आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, और आपको Samsung में देखने को मिल जाता है 4500 mAh का बैटरी। ये चेंजेस है, लेकिन आपको देखने को मिलते हैं अगर स्टोरेज वेरियंट की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है 8GB 128GB Y73 का 21,000 की कीमत में, और यहाँ पर आपको A52 जो मिलता है वो मिलता है आपको 26,500 की कीमत में। यहाँ पर जो डिफरेंस है यही है कि कुछ प्राइस थोड़ा सा अबाव हुआ है, लेकिन आपको चीज़ें जो है अगर 21 से 25 के बीच में बजट आपका, तो काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन सारी फोन में आजकल देखने को मिल रहा है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली वीडियो के लिए जुड़े रहिए टेक हाउस की फैमिली।